एसएस चीक कमांडो, एक बाजीगर की सनसनी खेज दास्तान। कहानी की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। हिंदू डाकू राइफल लिए रूबी के सर पर खड़ा था। रूबी की ये सब देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक ही हिंदू डाकू हनुमान को अपने अकब में शेर की आवाज़ सुनाई देती है और देखते ही देखते शेरनी हिंदू डाकू हनुमान पर हमला कर देती है। हिंदू डाकू हनुमान शेरनी को फायर करके हलाक करने की कोशिश करता है, लेकिन शेरनी ज़्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए हिंदू डाकू हनुमान को दबोच लेती है और हिंदू डाकू हनुमान को चीर फाड़ कर रख देती है। और रूबी ये सारा मंजर देखकर हैरान हो जाती है कि अचानक शेरनी कहाँ से नमूदार हो गई। रूबी ये सारा नज़ारा एक जगह खड़ी होकर देख रही होती है और देखते ही देखते शेरनी एक खूबसूरत लड़की का रूप इख्तियार कर लेती है। और रूबी ये देखकर दंग रह जाती है, शेरनी के रूप से खूबसूरत लड़की का रूप इख्तियार करने वाली और कोई नहीं फिलोरा थी। वही फिलोरा जो 2000 साल माजी से आई हुई लड़की थी, जिस पर सूजा नामी जादूगर काले जादू के जरिए फिलोरा की कब्र से जिंदा करके फिलोरा को शेरनी के रूप में ढाल दिया था। और रूहानी बुजुर्ग के बताए हुए तरीके से रूबी ने सूजा जादूगर को जहन्नुम वासिल कर दिया था। और फिलोरा अब रूबी की मदद को इस जंगल में आ जाती है। जैसे ही हिंदू डाकू हनुमान को फ्लोरा जहन्नुम वासिल करती है, रूबी भागकर फ्लोरा के गले लग जाती है और कहती है, फ्लोरा बहन बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। फ्लोरा रूबी को दिलासा देती है और कहती है, मुझे सब पता है कि तुम गुलखान डाकू के साथ यहाँ जंगल में कैसे आई, लेकिन रूबी बहन तुम्हें गुलखान से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, अपने बारे में सब कुछ सच बता देना चाहिए था। गुलखान एक सच्चा मुसलमान है, तुम गुलखान को अपने बारे में सच बता दो। मैं जानती हूँ रूबी, तुम एक बहादुर निडर लड़की हो और दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान में हो, और गुलखान का तुम्हें मिलना खुदा की नेमत है। गुलखान को अपने बारे में सब सच बता दो, वो तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। रूबी कहती है, फ्लोरा बहन, लेकिन मैं अपने भाई अली के लिए परेशान हूँ, क्या तुम मुझे मेरे भाई अली के बारे में कुछ बता सकती हो? रूबी बहन, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि तुम्हारा भाई अली हिंदुस्तान में ग्वालियर की जेल में हिंदू पुलिस की कैद में है, और उसने तुम्हारे वालिद बहादुर शाह के दूसरे कातिल गंडा सिंह को जहन्नुम वासिल कर दिया है। तुम गुलखान को अपने बारे में सब बता दो, वो तुम्हारी मदद करेगा। रूबी बहन, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। रूबी अपने गार के दहाने पर बैठ जाती है। जंगल में सन्नाटा तारी होना शुरू हो जाता है। रूबी यही सोच सोच कर परेशान होती है कि उसका भाई अली किस हाल में होगा। कितने हसीन दिन थे जो पाकिस्तान में अपने घर सुकून से गुजरे थे, और गंडा सिंह और टेकम दास स्मगलर की वजह से बाबा जान भी अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं और अली भाई दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान में किन मुश्किलात में फंस गए। लेकिन रूबी ने सोच लिया था कि जिन लोगों ने रूबी को बिकाऊ माल समझकर फरोख्त किया, उन सब से एक एक करके बदला लेगी। अभी रूबी इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि फ्लोरा जंगली शरीफ है और केलों का गुच्छा लिए रूबी के पास आती है। और रूबी जंगली शरीफ है और कुछ केले खाकर अपनी भूख मिटाती है। रात का अंधेरा गहरा होता जाता है। गुलखान डाकू अपने साथियों के साथ घोड़ों पर नमूदार होता है। रूबी अपने भाई गुलखान डाकू को देखते ही बेइख्तियार रो देती है, और दो मुसलमान डाकुओं के शहीद होने और फ्लोरा ने कैसे हिंदू डाकू हनुमान को जहन्नुम वासिल किया, तमाम रोदाद अपने भाई गुलखान और नादिर खान को बयान करती है। फ्लोरा सारी रोदाद सुन रही होती है, फिर अपने भाई गुलखान को फ्लोरा का तारुफ करवाती है कि फ्लोरा 2000 साल माजी से आई हुई लड़की है जो रूबी की मदद को आई है। रूबी अपने भाई गुलखान डाकू को बताती है, गुलखान भाई, मैं एक पाकिस्तानी लड़की हूँ। हिंदू स्मगलर टेकम दास और सिख स्मगलर गंडा सिंह ने मेरे बाबा जान को धमकाया कि स्मगलिंग में हमारा साथ दो। जब मेरे बाबा नहीं माने तो इन स्मगलरों ने पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करके मेरे बाबा बहादुर शाह को शहीद कर दिया और मुझे अगवा करके हिंदुस्तान ले आए, और मेरा भाई अली भी मेरी तलाश में हिंदुस्तान पहुँच गया है। और फ्लोरा ने मुझे बताया है, अली भाई ने हिंदू स्मगलर टेकम दास और सिख स्मगलर गंडा सिंह को जहन्नुम वासिल कर दिया है, और अब अली भाई ग्वालियर में हिंदू पुलिस की कैद में हैं, और मुझे जिन लोगों ने बिकाऊ माल समझकर फरोख्त करते रहे, मुझे उन सब से बदला लेना है। गुलखान ये सब सुनकर आपदीदा हो जाता है और रूबी से कहता है, रूबी बहन, मैं भी तुम्हें एक हकीकत से आगाह करना चाहता हूँ। हम लोग सही मायने में डाकू नहीं हैं, ये डाकुओं का भेस हमने भारतीय एजेंसियों और भारतीय पुलिस को धोखा देने के लिए बनाया हुआ है।
हम लोग दरअसल कश्मीरी मुजाहिद हैं, अब हमारा पहला मिशन अली भाई को भारतीय कैद से फरार करवाना है, फिर इन काफिरों से तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेना है और हमारे कश्मीरी मुजाहिद होने का इल्म हिंदू डाकू हनुमान के अलावा मेरे सब साथियों को है, क्योंकि हनुमान डाकू पर हमें शुरू ही से भरोसा नहीं था। गुलखान अब फिलोरा से मुखातिब होकर कहता है, फिलोरा बहन, अली भाई को रिहा करवाने में आप हमारी क्या मदद कर सकती हैं? फिलोरा जवाब में गुलखान से कहती है, गुलखान भाई, जितना बताने की मुझे इजाज़त थी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर मैंने इससे ज़्यादा आप लोगों को अपनी मर्ज़ी से बताने की कोशिश की तो आइंदा मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकूँगी। फिलहाल अली भाई ग्वालियर के टॉर्चर सेल में मौजूद हैं और उन पर हिंदू पुलिस तशद्दुद कर रही है। गुलखान अपने जिगरी दोस्त नादिर खान से मशवरा करता है कि आगे क्या करना चाहिए और कमांडो अली को किस तरह फरार करवाना चाहिए। तो नादिर अली गुलखान को मशवरा देता है कि हमें अपना जासूस ग्वालियर जेल भेजकर मालूमात हासिल करने की ज़रूरत है। गुलखान ने अपने जासूस को हिदायत देकर फौरन ग्वालियर रवाना कर दिया। गुलखान ने रूबी और फ्लोरा को खेमे में आराम करने की हिदायत देकर खुद बाकी साथियों के साथ बाहर दरख्तों के नीचे सो गया। सुबह बाकी मुजाहिदीन ने नाश्ता तैयार किया और रूबी और फ्लोरा को गुलखान का पैगाम दिया कि नाश्ता कर लें, फिर खान भाई प्लानिंग करेंगे किस तरह अली भाई को जेल से फरार करवाना है। सुबह के 10 बजे का वक्त था जब गुलखान और नादिर खान रूबी और फ्लोरा से कमांडो अली को ग्वालियर टॉर्चर सेंटर से कैसे फरार करवाया जाए। इतने में गुलखान मुजाहिद का जासूस मालूमात लेकर गुलखान के सामने हाजिर हो जाता है और गुलखान नादिर अली से मशवरा करता है कि अपने जासूस की मालूमात के मुताबिक टॉर्चर सेंटर का जेलर शर्मा है और उसकी बेटी ग्वालियर के कॉलेज में पढ़ने जाती है और उसकी हिफाजत पर मामूर दो भारतीय संतरी होते हैं जो उसे कार में घर से लेकर कॉलेज जाते हैं और वही संतरी छुट्टी के बाद शर्मा की बेटी को वापस लेकर घर जाते हैं। अब गुलखान और नादिर अली की प्लानिंग के मुताबिक इन्हें जेलर शर्मा की बेटी राधिका को अगवा करना है। रात देर गए तक गुलखान और नादिर अली राधिका को अगवा करने की प्लानिंग करते रहे और आखिर तय यही हुआ कि नादिर अली और गुलखान अपने तीन साथियों के साथ रवाना होंगे। सुबह होते ही पांचों कश्मीरी मुजाहिद राधिका को अगवा करने के लिए रवाना हो गए और बाकी मुजाहिद रूबी और फिलोरा की हिफाजत के लिए जंगल में ही रह गए। गुलखान मुजाहिद और नादिर अली ने जंगल ख़त्म होने से पहले एक खुफिया कमीनगाह में अपने घोड़े बांधे, कपड़े तब्दील किए। अब गुलखान और नादिर अली तमाम साथियों समेत भारतीय फ़ौज की वर्दियों में मलबूस थे। झाड़ियों में छुपाई गई भारतीय फ़ौजी जीप निकाली। गुलखान मुजाहिद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और नादिर अली गुलखान के साथ यानी ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर बैठ गया। बाकी तीनों मुजाहिद पिछली सीटों पर बैठ गए। गुलखान मुजाहिद जीप को चलाते हुए जंगल से बाहर वाले रोड पर आ गया। कश्मीरी मुजाहिदीन की आंखों में शेर जैसी चमक थी। गुलखान मुजाहिद जीप को चलाते हुए उस रोड पर ले आया जहां से कुछ देर बाद ग्वालियर के टॉर्चर सेंटर के जेलर शर्मा की बेटी ने अपनी कार में दो भारतीय संतरियों की हिफाजत में शहर अपने कॉलेज जाना था। गुलखान ने जीप को रोड के किनारे रोककर बोनट उठाकर खड़ा हो गया और ग्वालियर शहर जाने वाली तरफ रुक करके इंतजार करने लगा। गुलखान और कश्मीरी मुजाहिदीन भारतीय फौजियों की वर्दियों में मलबूस थे। दूर सड़क से सफ़ेद रंग की गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी कुछ करीब आई तो एक कश्मीरी मुजाहिद ने गुलखान को ग्वालियर हिंदू जेलर शर्मा की बेटी राधिका की गाड़ी की तस्दीक कर दी। जैसे ही भारतीय जेलर शर्मा की बेटी राधिका की गाड़ी करीब आई तो एक कश्मीरी मुजाहिद ने हाथ से गाड़ी रोकने का इशारा किया तो राधिका की गाड़ी के ड्राइवर संतरी ने ब्रेक लगाई। कश्मीरी मुजाहिद को भारतीय फौजी की वर्दी में देखकर राधिका की गाड़ी के मुहाफिज गाड़ी से बाहर निकल आए और कश्मीरी मुजाहिद जो के भारतीय फौजी की वर्दी में था सल्यूट किया और अटेंशन होकर पूछा, सर गाड़ी ख़राब हो गई है क्या? इतने में गुलखान ने जवाब दिया, करंट नहीं आ रहा है, ज़रा चेक करो, नहीं तो अपनी गाड़ी की बैटरी से स्टार्ट करने की कोशिश करना। जैसे ही भारतीय पुलिस वाला गुलखान की जीप पर झुका, गुलखान भारतीय पुलिस वाले की गर्दन में अपने बाजू के शिकंजे में लेकर ज़ोरदार झटका दिया। भारतीय पुलिस वाला वहीं ढेर हो गया। इतनी देर में नादिर अली ने दूसरे भारतीय पुलिस वाले की गर्दन पर ज़ोरदार ज़र्ब लगाई और जैसे ही भारतीय पुलिस वाला झुका, इसकी गर्दन को बाजू के शिकंजे में लेकर ज़ोरदार झटका दिया तो दूसरा पुलिस वाला भी वहीं ढेर हो गया। इतनी देर में तीसरे मुजाहिद, जिसका नाम अब्बास था, मुजाहिद अब्बास ने जेब से रुमाल निकालकर जिस पर बेहोशी की दवाई लगाई हुई थी राधिका के मुंह पर लगा दिया, जिससे राधिका फौरन ही बेहोश हो गई। दो कश्मीरी मुजाहिद राधिका की गाड़ी में बैठ गए और गुलखान और नादिर खान ने
भारतीय पुलिस वालों को झाड़ियों में फेंकने के बाद फौजी जीप में सवार हो गए। भारतीय फौजी जीप और राधिका की गाड़ी को लेकर कश्मीरी मुजाहिदीन जंगल वाले ठिकाने की तरफ पूरी बर्क रफ्तारी से रवाना हो गए। आधे घंटे की मुसाफत तय करने के बाद गुलखान नादिर अली और कश्मीरी मुजाहिद खुफिया कमीन गांव में पहुंच गए और अपने हुलिये तब्दील करने के लिए फौजी जीप और राधिका की कार को झाड़ियों में छुपा दिया। दोपहर का एक बज चुका था। फिलोरा और रूबी बाकी कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ जंगल वाले ठिकाने पर गुलखान नादिर अली और कश्मीरी मुजाहिदीन के मुंतजिर थे कि दूर झाड़ियों में गुलखान बाकी साथियों के साथ घोड़ों पर आता हुआ नजर आया। एक घोड़े पर गुलखान ने राधिका को लाद रखा था। ये मंजर देखने के बाद रूबी की आंखें खुशी के आंसुओं से नम होने लगीं कि गुलखान ने उसके भाई कमांडो अली को भारतीय ग्वालियर टॉर्चर सेंटर से फरार करवाने के लिए भारतीय हिंदू जेलर शर्मा की बेटी को अगवा करके ले आया है। गुलखान ने रूबी और बाकी कश्मीरी मुजाहिदीन के नज़दीक पहुंचते ही नारे तकबीर बुलंद किया तो जवाब में रूबी समेत तमाम मुजाहिदीन ने जवाब में अल्लाह अकबर कहा। गुलखान ने घोड़े से उतरते ही रूबी के सर पर हाथ रख कर प्यार किया और कहा, रूबी बहन, हम भारतीय हिंदू जेलर शर्मा की बेटी राधिका को अगवा कर ले आए हैं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द अली भाई हमारे दरमियान होंगे, रूबी ने जवाब में इंशाल्लाह कहा। गुलखान भाई, आप लोग थक गए होंगे, मुँह हाथ धो लें, मैं खाना लगाती हूँ। तब तक गुलखान और कश्मीरी मुजाहिदीन मुँह हाथ धोकर वापस आए। दस्तरखान पर खाना लग चुका था। गुलखान ने रूबी से कहा, रूबी बहन, आप और फिलोरा बहन, इस लड़की राधिका पर नज़र रखना, एक घंटे तक इसे होश आ जाएगा। मैंने शहर जाकर भारतीय जेलर शर्मा को टेलीफोन करके अली भाई को रिहा करवाने की बात भी करनी है। खाना खाने के बाद गुलखान ने कहा, रूबी बहन, इस लड़की के हाथ पांव बांध दो, कुछ देर में इसे होश आ जाएगा। जब हमने इसे बेहोश किया था उस वक्त हमें पता था इतनी जल्दी होश में नहीं आएगी, अब जबकि इसे कुछ देर में होश आ जाएगा इसीलिए इसके हाथ पाँव बांध दो। मैं शहर जा रहा हूँ भारतीय जेलर शर्मा को फ़ोन करने के लिए। उधर भारतीय जेलर को इल्म हो चुका था कि उसकी बेटी कॉलेज नहीं पहुंची है। शर्मा राधिका के कॉलेज भी पहुंच चुका था, लेकिन जब शर्मा ने राधिका के कॉलेज जाने वाले रास्ते का सर्चिंग ऑपरेशन करवाया तो उसे राधिका के दो मुहाफिजों की लाशें मिल गईं। शर्मा थक हार कर घर पहुंचा तो 6 बज चुके थे और शर्मा ने इंटेलिजेंस वालों को तलब कर रखा था। भारतीय इंटेलिजेंस के 4 अफसर शर्मा के पास ही बैठे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन राधिका की माँ ने उठाया। नमस्ते जी, मैं अजय कुमार बोल रहा हूँ, शर्मा जी से बात करवा दें। राधिका की माँ ने फ़ोन शर्मा की तरफ बढ़ा दिया। नमस्ते जी, अगर आपको आपकी बेटी जिंदा चाहिए तो आपके पास बैठे हुए इंटेलिजेंस अफसरों को इल्म ना हो कि आप अभी किस से बात कर रहे हैं। शर्मा ने आगे से जवाब दिया, जी ठीक है अजय सर, ठीक है। गुलखान ने आगे से जवाब दिया, मैं 15 मिनट बाद दोबारा फ़ोन करूँगा, और फ़ोन बंद कर दिया। शर्मा ने इंटेलिजेंस अफसरों को सख्त अहकाम देकर रवाना कर दिया कि मुझे हर हाल में अपनी बेटी चाहिए, और गुलखान के फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद गुलखान ने दोबारा फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी बजने लगी। शर्मा ने जल्दी से रिसीवर उठाया और गुलखान के कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ा, तुम क्या चाहते हो? गुलखान ने हल्का सा कहका लगाया और जवाब में कहा, हम कश्मीरी मुजाहिद हैं, तुम्हारी जेल में कश्मीरी मुजाहिदों के ऊपर जो तुम तशद्दुद कर रहे हो वो ठीक बात तो नहीं है ना शर्मा जी? दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।